यूँ तो खाने में तड़का लगा के खाना हर किसी को पसंद होता है, पर अगर तड़के में मसालों की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो अच्छा खासा स्वादिष्ट खाना भी बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल यही हुआ है सौरा भास्कर के नए टीवी शो फ्लैश के साथ में। दोस्तों आपको बता दूं कि फ्लैश एक मिनी टीवी शो है जिसे प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ने, और ये शो 21 अगस्त को इरोज ओरिजिनल के ऊपर रिलीज किया गया है। इसे डायरेक्ट किया है दानिश असलम ने, और शो के अंदर करीब 40-40 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं। शो के अंदर हमें दिखाई दिए हैं सौरा भास्कर, अक्षय ओबरॉय, महिमा मकवाना, विद्या मालवदे, केविन दवे के साथ साथ कई अन्य कलाकार। शो की कहानी भारत के अंदर हर रोज होने वाले जघन्य अपराधों जैसे कि देह व्यापार, किडनैपिंग और मानव तस्करी को ध्यान में रखते हुए बुनी गई है। शो की कहानी शुरू होती है जोया गुप्ता नाम की एक एनआरआई लड़की के अपहरण के साथ में, और जैसे ही अपहरण होता है तो उसके माता पिता शेखर गुप्ता और रीबा गुप्ता पहुंचते हैं पुलिस के पास में हेल्प मांगने के लिए। लेकिन भारत के अचूक पुलिस प्रशासन की हरकतों के कारण उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद तहकीकात की जिम्मेदारी जाती है एसीपी राधा के पास में। एसीपी राधा अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और उन्हें रातों को नींद नहीं आती है, और छोटी छोटी बातों के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये केस शुरुआत में जितना सीधा लगता है असल में उतना सीधा होता नहीं है, और इसके तार बहुत ही दूर तक फैले और उलझे होते हैं। वहीं दूसरी ओर दो बच्चे तस्करों के चंगुल से छुटकर भागने का प्रयास लगातार करते रहते हैं, तो वहीं जोया के माँ बाप अपनी बेटी के बिछड़ने के गम के साथ साथ अपने बिगड़ते रिश्तों के साथ में भी डील कर रहे होते हैं। क्या एसीपी राधा अपने गुजरे हुए अतीत का सामना करते हुए जोया को ढूंढ पाएगी? क्या सीबा और शेखर अपनी बेटी जोया को ढूंढने के साथ साथ अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार पाएंगे? और क्या एक दर्दनाक जिंदगी जी रहे बच्चे तस्करों के चंगुल से छुट करके आजाद हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा ये शो। शो के अंदर दिखाए गए कुछ फैक्ट्स भारत के अंदर रह रही महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा की एक वास्तविक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं और हमें बताते हैं कि ये देश अब बस कहने भर में ही महान रह गया है। मानव तस्करी से लेकर के किडनैपिंग और जिस्म फिरोशी के काले धंधों की बर्बरता को दिखाने की कोशिश इस शो के अंदर पूरे जोरों शोरों से की गई है। शो के अंदर गैर जरूरी गालियों, सेक्स सीन्स और भयानक हिंसक सीन्स की भरमार है। एक और जहां मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स जैसे शोज के अंदर ऐसे सीन्स काफी रोचक और वास्तविक लगते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस शो के अंदर ऐसा लगता है कि इन सीन्स को दर्शकों को रिझाने के लिए रखा गया है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं तो शो के अंदर क्लाइमेक्स में एक सीन आता है जहां पर बच्चों को बहुत ही ज्यादा वायलेंस करते हुए दिखाया गया है, और वो सीन देख करके आपको लगेगा कि इसकी क्या जरूरत थी। स्क्रीन प्ले की बात करें तो शुरुआत के दो एपिसोड्स में शो जो उम्मीदें बांधता है बाद के एपिसोड्स में उनके ऊपर खरा नहीं उतर पाता है, और कमजोर स्क्रीन प्ले के कारण बीच में कहीं बैठ सा जाता है। साथ ही शो के अंदर एक साथ कई सारे पात्रों की कहानी चलने के कारण मूल कहानी के अंदर भटकाव भी आता है। शो का मुख्य पात्र एक बड़ी रैंक का बड़ा ऑफिसर है, लेकिन बात बात पर उसका गली के गुंडों की तरह गालियां देना और अपने सीनियर्स की इज्जत ना करना एक तरीके से चिड़चिड़ाहट सी पैदा करता है और करेक्टर की वास्तविकता भी खोता है। साथ ही शो के अंत के कुछ दृश्यों में लाइट्स के अतरंगी प्रयोग से एक खास प्रभाव लाने की कोशिश भी की गई है जो कि उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। अक्षय ओबराय के द्वारा निभाया गया एक बाइसेक्सुअल साइको का किरदार वाकई में किसी किसी सीन में दहशत सी पैदा करता है। उस किरदार की मौजूदगी ही इस शो के अंदर एक बड़ी जान फूंकती है। शो के अंदर हर एपिसोड की शुरुआत में आने वाला इंट्रो और बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है, और जब भी ये आता है तो एक उत्सुकता सी पैदा करके जाता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सौरा भास्कर ने यहाँ पर एक एसीबी का किरदार निभाया है, हालांकि वो किरदार कई सीन्स में एसीबी की तरह रिएक्ट नहीं करता है, और सौरा भास्कर को इस शो के अंदर हीरो की तरह दर्शाया गया है, लेकिन शुरुआत में करेक्टर को उतनी डेप्थ ना मिलने के कारण उनका हीरोइज्म जस्टिफाई नहीं हो पाता है। हालांकि सौरा भास्कर ने भरपूर कोशिश की है इस करेक्टर के अंदर जान फूंकने की, लेकिन राइटर ने इस करेक्टर को रोचक बनाने के चक्कर में वास्तविकता से दूर कर दिया है। ताज के करेक्टर में आए अक्षय ओबरॉय ने अच्छा काम किया है, और उन्होंने अपने करेक्टर को पूरे तरीके से जस्टिफाई भी किया है। साथ ही
बाकी के सह कलाकारों ने भी अपने काम को ठीक ढंग से किया है। अगर स्पेशल मेंशन की बात करें तो विजू और लूडो के कैरेक्टर में आए एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है और उनके कैरेक्टर्स को शो के अंदर देख करके वाकई में गुस्सा आता है। साथ ही ताज के मालिक की भूमिका में यहाँ पर जो एक्टर हैं उन्होंने भी अपने काम को अच्छे ढंग से किया है और एक इंस्पेक्टर के रोल में यहाँ पर एक एक्टर हैं उन्होंने भी अपने काम को बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। हालांकि साइमन का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर का टोन थोड़ा अजीब सा है, लेकिन उनके साथी एक्टर केविन दवे ने अपने काम से प्रभावित किया है और कुछ एक सीन्स के अंदर आने वाला उन दोनों का बॉस का जो कैरेक्टर है उसे परफॉर्म करने वाले एक्टर ने भी अपनी छाप छोड़ी है। डायरेक्शन की बात करें तो दानिश असलम ने शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में अच्छा डायरेक्शन किया है, लेकिन बीच में वो कहीं भटक से जाते हैं जिसके कारण मैं यही कहना चाहूंगा कि इस शो का डायरेक्शन और अच्छा होना चाहिए था। शो के बारे में ओवरऑल बात करूं तो ये एक बेहतरीन कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया एक बिलो एवरेज शो है। अगर इसके अंदर से कुछ सेक्स सीन्स और कुछ वॉयलेंस वाले सीन्स को काट करके साथ ही इसकी लेंथ को कुछ थोड़ा छोटा कर दिया जाता तो ये एक बेहतर शो हो सकता था। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो शो के अंदर सेक्स सीन्स, वॉयलेंस सीन्स और गालियों की भरमार है, तो इस शो को आप फैमिली के साथ में तो नहीं देख सकते हैं। जहां तक सवाल है इसकी रेटिंग का, तो मेरी तरफ से मिलती है इसे 2.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग, जिसमें से हाफ रेटिंग मिली है इसके कलाकारों के अभिनय के लिए और हाफ रेटिंग मिली है डायरेक्शन के लिए, हाफ रेटिंग मिली है पिक्चराइजेशन के लिए जिसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक, इंट्रो सीन और जो लोकेशंस रखी गई है उन्हें इंक्लूड किया गया है, और एक जो इसके अंदर बोनस जो रेटिंग दी गई है वो दी गई है इसके कॉन्सेप्ट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।